हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक्स के चैप्टर 5 में इंटरनेट एप्लीकेशंस में आज हम डिजिटल सिग्नेचर और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का। प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने जॉब सर्च कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किया कि अगर कोई जॉब सीकर इंटरनेट की हेल्प से अपने लिए कोई सुटेबल जॉब सर्च करना चाहता है तो उसके लिए इंटरनेट पर कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन से पोर्टल्स अवेलेबल हैं और जॉब सर्च करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये सेशन जो है वो यूज़फुल लगा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर, जो डिजिटल साइनिंग के कंसेप्ट पर फोकस्ड है। अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाते हैं तो उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट आजकल इम्प्लीमेंट हो रहा है। पहले नॉर्मली स्टैम्प लगाई जाती थी और साइन किए जाते थे गजेटेड ऑफिसर की तरफ से उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए, अटेस्ट करने के लिए। लेकिन आजकल ये जो स्टैम्प लगाना और सिग्नेचर्स करने का कंसेप्ट जो है वो हटाया जा रहा है और उसकी जगह पर डिजिटल सिग्नेचर्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इन डिजिटल सिग्नेचर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप किसी भी डिजिटल डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन तो उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज़ होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर्स एक्चुअल में क्या हैं? ये किसी भी ओरिजिनल या अनमॉडिफाइड डॉक्यूमेंट को, डिजिटल डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज़ किया जाता है। तो हम डिजिटल सिग्नेचर्स को पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स, ईमेल मैसेजेस और वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं एज ए वेरिफिकेशन। तो डिजिटल सिग्नेचर्स को हम ई कॉमर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। किसी सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर हम किसी तरह की कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो वहाँ पर हम डिजिटल सिग्नेचर्स को यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी ही बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर हमें फॉर्जरी से बचने के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज़ करने की फैसिलिटी मिल जाती है। तो डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए हम ऑनलाइन एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो पुराने टाइम की अगर बात की जाती है तो डिजिटल सिग्नेचर्स जो हैं उनका यूज़ होता था। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस सबमिशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि पिछले कुछ सालों से हम फिज़िकली एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करते आ रहे हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है या आधार कार्ड को अप्लाई करना है, तो उन सभी जगह पे हम इसका यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन आज का कंसेप्ट ये है कि हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं अपने सिस्टम पर। तो ज़्यादातर बैंक जो हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करते हैं नया अकाउंट ओपन करने के लिए। हम नया एलपीजी कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हम अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं और ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आज के सेशन में हम इनका डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में। जैसे पासपोर्ट की एप्लीकेशंस की अगर अपने बात करें तो पासपोर्ट सेवा नाम से एक एप्लीकेशन आती है जिसको यूज़ करके हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं पासपोर्ट, सर्च करने के लिए अगर हम ऑप्शन देते हैं तो यहाँ पे देखिएगा पासपोर्ट इंडिया के नाम से एक ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पर हम पासपोर्ट सेवा का यूज़ करके अपने लिए पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन है, अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है अकाउंट तो आप उस अकाउंट के ज़रिए अपने लिए पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट जो कंसेप्ट आ जाता है वो है कि अगर आपको नया बैंक अकाउंट ओपन करना है तो नया बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी अलग अलग बैंक हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक का,
तो कोटक के अंदर हम नया अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, यहाँ पे जैसे आप देते हैं ऑनलाइन बैंक अकाउंट, अगर अपने यहाँ पर लिखते हैं, सर्च करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोटक के लिए है। उसके बाद HDFC के लिए हमें फैसिलिटी मिल जाती है, IDFC बैंक के लिए मिल जाती है, एक्सिस बैंक के लिए भी ऑप्शन है, SBI के लिए भी ऑप्शन है। तो सभी पॉपुलर जितने भी बैंक्स हैं वो सभी आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटीज़ देते हैं। तो जैसे हम एक्सिस कोटक का ओपन करते हैं तो इसमें देखिएगा ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन किया जा सकता है, सेविंग अकाउंट ओपन किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको जस्ट अपना डिटेल फिल करनी है और अपना अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस जो है वो यूज़ किया जा सकता है। सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि अगर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है तो उसके लिए भी ई फाइलिंग का कंसेप्ट होता है। ITR साइट है जिसपे आप ऑनलाइन अपना ITR जो है वो फिल कर सकते हैं। तो इसमें भी हम अगर वेबसाइट ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ITR, तो इसमें ITR फाइलिंग में ये वेबसाइट है incometax.government.in, तो इसकी हेल्प से आप अपना ई फाइलिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आपको अगर अपना ITR फिल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फिल करना है, तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसमें वो लिंक अवेलेबल हैं और उन लिंक्स का यूज़ करके आप अपना ITR जो है वो बड़ी इजीली स्टेप बाय स्टेप इसमें गाइड किया हुआ है, फॉर्म्स का यूज़ करके आप उसके अंदर फाइलिंग जो है वो कर सकते हैं। ऐसे ही पैन कार्ड की एप्लीकेशंस अप्लाई की जा सकती हैं। इसके लिए भी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपको पैन कार्ड अप्लाई करने की ऑप्शंस देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पैन कार्ड लिखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन सर्विसेज है, पैन यूटिल है, इसमें UTI TSL ऑप्शन है। यहाँ पे आप पैन सर्विसेज पोर्टल ऑप्शन पे आ गए हैं, यहाँ पे आप अपने लिए नया पैन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पैन कार्ड फॉर इंडियन सिटीजन, क्लिक टू अप्लाई। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस एरिया में क्लिक करते ही आप क्या कर सकते हैं, नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई फॉरेनर है वो पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहता है तो इसको यूज़ कर सकता है। ऐसे ही अगर पैन कार्ड में कोई चेंजेस करने हैं तो वो इसका यूज़ कर सकता है, चेंजेस अप्लाई किए जा सकते हैं। और फाइनली लास्ट ऑप्शन क्या है कि आप अपना पैन कार्ड जो है यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू पैन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, जो हमने डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो जैसे कि मैंने अपना आधार कार्ड ओपन कर रखा है और यहाँ पर आप ये जो एरिया देख रहे हैं ये डिजिटल सिग्नेचर का है, और यहाँ पर जो आप ये मैसेज देख रहे हैं कि साइंड एंड ऑल सिग्नेचर्स आर वैलिड, तो इसमें डिजिटल सिग्नेचर जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं, लोड किए गए हैं, और इनको वेरीफाई करते ही आप अपना जो पूरा प्रोसेस है वो इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर जो है वो वेरीफाई किए जा सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स को अपने डॉक्यूमेंट्स में साइन करने के लिए आपको किसी न किसी पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। जैसे एडोब पे आप अपने सिग्नेचर्स को वैलिडेट करवा सकते हैं, और इन एप्लीकेशंस का यूज़ करके हम अपने डिजिटल सिग्नेचर्स को अपने डॉक्यूमेंट्स पर इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो ये एक तरीका है अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने का। तो ये आज का कंसेप्ट था, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दीज वीडियोज़, and always stay blessed.